वरना शिवाय मुझे कभी भाव नहीं सुनने देते। कुछ तो रहता पक्का फैल होगा। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ अभी भी टाइम है। सोच लो, हाथों से लगाई गांठें ना मुंह से खोलनी पड़ती हैं। कहने को तो ये सब शगुन है, पर है तो दहेज ही ना। और जो लोग दहेज मांग कर लेते हैं ना, उन्हें हमेशा भूख लगी रहती है। बस कर, अब ये फैसला बिल्लू ने किया है, उसने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मम्मी जी, मेरे ख्याल से तो बिल्लू बिल्कुल पागल हो चुका है। अरे 2 करोड़ की ज्वेलरी मांगी थी उन लोगों ने, उसने 5 करोड़ की उठा के दे दी। औकात और शक्ल भी कोई चीज होती है ना, उनकी शक्ल देखकर तो कोई उन्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ना दे। मेरा बस चले ना तो मैं तो नकली ज्वेलरी उठा के उनके मत्थे मारूं। ज्वेलरी से लग ली? हाँ कर ली, पर क्या फायदा? तुझे ना कमीनी जी से ही सारी ज्वेलरी सिलेक्ट करा लेनी चाहिए थी। ओहो, तू तो ना कामिनी के पीछे ही पड़ गई है। ओ मैं माता, मम्मी जी वो कोई ऋषि कपूर है जो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी। ब्रेकफास्ट रेडी है, चलिए। मम्मी जी आप ना ये सारी ज्वेलरी अपने कमरे में रखवा लो। हाँ नहीं, ऊपर ले जाने की क्या जरूरत है? फंक्शन नीचे ही है ना, नीचे। हाँ तो आप हमखा ऊपर ले जाएंगी फिर नीचे लाएंगी। एक काम कीजिए, आप अपनी सेफ में रख लीजिए। आई थिंक दैट बी सेफ। ना बाबा ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने कमरे में नहीं रखवाऊंगी। नहीं मम्मी जी। बिल्लू ठीक कह रहा है, कुछ ही घंटों की बात है, फिर तो कामिनी को दे ही देनी है। ऊपर नीचे जाने से क्या फायदा, रखवा लो। ठीक है, आप लोग तो हमेशा ठीक ही सोचते हो, रख ले। आप रख कर आइए और ब्रेकफास्ट के लिए आ जाए। ठीक है। भैया आपने कुकिंग स्टाइल चेंज किया है क्या? ऐसा लग रहा है कॉन्टिनेंटल से सीधे ढाबे पे पहुंच गए। तो हाँ, मतलब मैंने दादी के लिए स्पेशली बनाया है, तो थोड़ा सा इंडियन टच दिया है। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पिंकी, तूने ज्वेलरी बॉक्स सारे ठीक से रख दिए ना? जी माँ। मामा बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट बना के ला। ठीक है, ले आ। डुप्लीकेट हार, पहले डुप्लीकेट शो आया तो अब ये डुप्लीकेट हार। इन लोगों के भेजे में ये बात ही नहीं जाएगी कि जो चुल्लर है ना वो भी अपना है। बड़ा मजा आएगा जब ओबरॉय खानदान की घरेलू बेटी के शरण में मम्मी के रेपुटेशन की गंगा आराम हो जाएगी। ये शिवाय कहाँ रह गया? इतना वक्त ना फ्रेंच लोगों ने भी नहीं लिया होगा। नहीं मैं एक काम करती हूँ, मैं देख के आती हूँ। देखो
मैं तो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाली थी। तो आंटी के रूम में क्या कर रही? शिवाय, शिवाय, शिवाय कहाँ चले गए? शिवाय, शिवाय कहाँ गया? अरे यार, आदमी चाहे खुली में रहता हो या 100 करोड़ की खुली में, बीवी उसके फ्रीडम के गंगाराम कर ही देती है। कहाँ गए थे? क्यों गए थे? शिवाय मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। और मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरी माँ। मैं यही था, आप असिस्ट अराउंड? नहीं, आप अराउंड नहीं थे। पिंकी आंटी फ्रेंच टोस्ट के लिए कब से इंतजार कर रही है, मैं वही लेने आई थी, लेकिन आप यहाँ नहीं थे। हाँ, मैं वो फ्रेंच टोस्ट बना ही रहा था, लेकिन 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 तुम्हारा असर कितनी पकाती है यार। लेकिन एक जरूरी फोन आ गया था। क्या देख रहे हो? आपका फोन कहाँ है? शिवाय का भाई बाल की दुकान, बीवी सवाल की दुकान। मन तो करता ना उसको सर फोड़ दूं मैं, पर क्या करूं? I'm bad, not very bad. नहीं, अगर आपको कोई जरूरी फोन आ गया था तो आपका फोन आपके पास होना चाहिए। वैसे तो आप अपने फोन के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकते हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ आपका फोन कहीं और होता है, आप कहीं और होते हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? फोन पे बात करूं तो परेशानी है तुम्हें, है ना? फोन पे ना बात करूं तो परेशानी, फोन पास में रहे तो परेशानी, फोन पास में ना रहे तो परेशानी, फोन तोड़ू तो परेशानी, मैं करूं तो क्या करूं बताओ तुम मुझे। हाँ, क्या आप गुस्सा क्यों हो रहे? मैं बस पूछ रही थी। मैसेज आया था कॉल बैक करने के लिए, कहा था मेरे फोन से कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए लैंडलाइन से कॉल किया। वहां शायद फोन छूट गया होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है या और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? नहीं, मैं और दे सकता हूँ, किससे बात कर रहा था, डील क्रैक हुई या नहीं, मुनाफा हुआ कि नहीं, एनुअल रिपोर्ट भेज दूं। आई कैन सेंड इट। सॉरी, मैं बस घबरा गई थी, इसलिए मैं आपसे सवाल पे सवाल पूछ रही थी। कौन सी नई बात? मेरी गलती है, मुझे लगा कि जो हुआ वो गलत हुआ, यही तुम्हें लग रहा है? नहीं, गलत नहीं हुआ। ओके, गलती तुम्हारे दिमाग में, गड़बड़ से तुम्हारे दिमाग में, सब कोई ठीक है, तुम अजीब बिहेव कर रही हो, एवरीवन इज ऑल राइट। ओके, ठीक है। क्या एप्रन उतार रही थी? क्यों? सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, मैं फ्रेंच टोस्ट बनाकर लेके आती हूँ, आप जाइए, सब कुछ। नो नो, क्या फिर से सवाल शुरू? जब मैं कुकिंग करता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ओके, मैं अपनी मॉम के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। किसकी मॉम है? मेरी मेरी मॉम है, राइट? तो मैं बनाऊंगा। ओके, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, वैसे ही बहुत वक्त जाया हो चुका है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपकी मदद करूं? नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। आई विल मेक इट। ओके, मुझे मुझे डिस्टर्बेंस होती है, कोई और होता है तो जाओ ना, प्लीज प्लीज। अनिका, जिसको है अनिका, जाओ, आवाज दे रहा है कोई। अच्छा ठीक है, आपको जल्दी आ जाओ। मैं Come on. देवा कसम, ये क्वेश्चन कुमारी ना डेंजर है, सॉलिड डेंजर। शिवाय किडनैप होकर भी खुश हो, बीवी के क्वेश्चन से तो बचा। आदमी सुसाइड कर ले पर शादी ना करे, ये तो दिमाग का ना गंगाराम हो जाता है। नहीं, मैं नहीं करने वाला। पहले बिल्लू गायब था, अब अनिका भी नहीं दिख रही है। हाँ मम्मी जी, पता नहीं फ्रेंच टोस्ट शायद फ्रांस में बन रहा है। नहीं, गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट हो रहा है? ब्रेकफास्ट तो नहीं, फिलहाल इंतजार हो रहा है। आजा फिर बैठ जा, तू भी नाश्ता कर ले। माँ, नाश्ता नहीं, तू भी इंतजार ही कर ले हमारी। तो किस चीज का इंतजार? आज ना शिवाय ने स्पेशली मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाने का सोचा है, वही बना रहा है। अरे भैया, ब्रेकफास्ट बना रहे? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात? नहीं, क्योंकि मैंने तो उन्हें भाभी भाभी भैया कहा है, वो कर क्या रहे इतनी देर से? आंटी जी, वो दरअसल लैंडलाइन पे उन्हें फोन आ गया था, बस वही टाइम लग गया, आ रहे।
स्ट्रेंज, मैंने तो अभी अभी बड़े भैया को पिंकी आंटी के रूम से निकलते हुए देखा, तो क्या वो पिंकी आंटी के रूम से कॉल कर रहे थे? ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एनीवे मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, होगा कुछ काम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।